बोलो सबको पता है कि नहीं? ऐसे नहीं भैया, मामा आज बात करने आया है। बताओ कांग्रेस ने कभी नर्मदा जी का पानी दिया, माही का पानी दिया? वो चाहते थे आदिवासी की जमीन उबड़ खाबड़ रहे, उसमें कुछ पैदा ही नहीं हो, सूखे में छोड़ दिया कांग्रेस। कांग्रेस ने सड़कें नहीं दी, कांग्रेस ने सिंचाई नहीं दी, कांग्रेस ने इतने स्कूल और कॉलेज कभी खोले क्या मेरे बहनों और भाइयों? ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ मामा ने जितने स्कूल और कॉलेज खोले कांग्रेस ने खोले क्या? वो स्कूल नहीं खोलते, वो कॉलेज नहीं खोलते थे, वो आश्रमशाला नहीं खोलते थे, वो छात्रावास नहीं खोलते थे, क्योंकि जानते थे कांग्रेसी कि पढ़ गए तो हमारी सल्तनत का क्या होगा, हमारी सत्ता का क्या होगा, बिना पढ़े ही रहो। 50 साल राज किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, सोनिया मैडम, और बताना पड़ेगा रे कमलनाथ, दिग्गी राजा तुमको भी कितने खोले तुमने? इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हमने, खोला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला तो हमने खोला, अलग अलग इलाकों में आश्रमशालाएं, छात्रावास। अरे मामा ने देखा कि भांजियां पढ़ने कम जाती है तो गांव गांव हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस ने नहीं खोले, मामा ने खोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। और जब मैंने देखा मेरी बेटियां पढ़ने दूसरे गांव कम जाती है तो साइकिल कांग्रेस ने नहीं दी, साइकिल भी मामा ने दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों को दी। मेरे बेटा पढ़े, मेरी बेटियां पढ़े, जनजाति आदिवासी बेटा बेटी पढ़े। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया देते थे छात्रवृत्ति, अगर बढ़ा के 1000 से लेकर 1300 रुपया तक की तो मामा ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, कब कांग्रेस ने की? अरे विदेश में जाके भी अगर ट्राइबल बेटा बेटी को भी पढ़ाई करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो 15 लाख 20 लाख रुपया साल की फीस हो, तो कभी कांग्रेस ने नहीं भराई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हम भरवाएंगे, विदेश पढ़ने के भी आओ मेरे बेटा बेटियों। अनेकों संस्थाएं, जब देखा कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे ज्यादा, इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती तो हमने बनाई छात्रवृत्ति छात्रगृह योजना, और तय की कि हमारा ट्राइबल बेटा बेटी अगर इंदौर और भोपाल में पढ़ के पढ़ेगा और कमरा किराए पे लेके रहेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। कांग्रेस ने यह योजना भी बंद कर दी, मुख्यमंत्री छात्रगृह योजना 13 महीना 15 महीना क्या है, सब बंद। और इसीलिए तो हमारे 3 नेता बैठे, गोविंद सिंह जी, राज्यवर्धन जी, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा हाथ जोड़ी ऐसी कांग्रेस के जो जनता के दुश्मन है, छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस ने केवल तबाह किया है, बर्बाद किया है, कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने अनेकों योजना शुरू की, 2000 करोड़ की नर्मदा जी को लाने की योजना। और मेरी बहनों, केवल सिंचाई का नहीं, अब पीने का पानी भी घर घर नल लगा के, पाइपलाइन बिछा के, मोदी जी के आशीर्वाद से टोटी वाले नल लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी पिलाएगी, हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाने देगी बहनों को। सब बजे ऐसी योजना बंद कर दी। आज मैं फिर कहने आया हूं, 50 साल कुछ नहीं किया, फिर 15 महीना कुछ नहीं किया,
अब विकास की गंगा हमने फिर से प्रारंभ की है। संबल योजना बंद दी, चालू कर दी बहनों भाइयों, और सुनना मेरे बेटे बेटियों, आदिवासी बेटा बेटियों और बाकी गरीब बेटा बेटियों भी, अब पढ़ना। मामा कह रहा है अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी आईआईएम कहीं भी होगा तो पूरी फीस अब माता पिता नहीं फिर मामा भरवाएगा। रे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। उन्हें बंद किया तो हमने चालू कर दी। बहनों को देते थे दो बेटा बेटियों तक जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000। तेरा क्या जाता था रे कमलनाथ, लड़ुआ खाने के पैसा तूने बंद करवा दिए, मेरी बहनों के लड्डू के पैसा बंद करवा दिए, एक्सीडेंट को मौत पे देते थे 4,00,000 वो बंद करवा दिए, सामान्य मौत को 2,00,000 देते थे वो बंद करवा दिए, अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो कफन के भी 5,000 छीन लिए कमलनाथ और कांग्रेस ने। बहनों और भाइयों कफन के 5,000 छीन लिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा मुख्यमंत्री और मोदी जी का आशीर्वाद है। और आज कहने आया हूं, आज का यह कार्यक्रम नहीं है, ये गरीब ट्राइबल की जिंदगी बदलने का अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है, जिंदगी बदलने का अभियान। और ये कई चीजें हमने तय की है, सुनो मेरे बेटा भाइयों, कई जगह में गया लोगों ने बताया कि ये घर में कई परिवार रह रहे हैं, सास ससुर बेटा बेटी बेटी बेटा बहू, रहने की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, साफ सुन ले कहा है कलेक्टर भाई, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक यूनिट सर्वे कर लेना, और जिनके घर में एक से ज्यादा परिवार रह रहा है उनको प्लाट देके अलग से जमीन का मालिक बनाऊंगा, हर परिवार का अपना प्लाट होगा। और केवल प्लाट नहीं, जैसे विष्णुदत्त जी कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान, अरे बताओ रे मेरे बहनों और भाइयों, सबको रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, सब बोलो रे होना चाहिए कि नहीं? तो आज मैं कह रहा हूं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठे, आवाज प्लस का फिर से सर्वे होगा, 2011 की सूची में कहीं के नाम ही नहीं है, और जाओ तो कहते सूची में नाम नहीं है, मकान नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ये मंत्री है ग्रामीण विकास के, और कलेक्टर यहां खड़े, आवास प्लस का फिर से सर्वे करवाओ, और जिन गरीबों के आवास की योजना में नाम छूट गए नाम जुड़वाओ, मामा मकान बनवाएगा, भाजपा मकान बनवाएगी। अरे सीटी एक बार और बजाओ, ये तो जिंदगी बदलने का अभियान है। आज नया इतिहास लिखा जा रहा है, सुन लो। हाँ मैं सच बोलता हूं, एक साल में सबके नहीं बने, इस साल कितने मकान बन रहे हैं? 24,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में अलग बनेंगे, तो अगले साल 24,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 24,000, जब तक सबके मकान नहीं बन जाते, ये बनते रहेंगे बनते रहेंगे। बोलो भारत माता की। और सुनो भैया, माधव दादा नागर सिंह आपके संग हम गए थे, तो कई लोगों ने बताया वो बंटवारा नामांतरण, अरे बाप दादों के नाम की जमीन, दादा भी दादा के परदादा भी, बेटा नाती पोता, बंटवारा हुआ ही नहीं, योजनाओं का नाम मिलते ही नहीं है, लाभ मिलते ही नहीं है, बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बताओ सही बात है कि नहीं?
तो पूरे ट्राइबल बेल्ट में अलीराजपुर जिला छोड़ के जहां चुनाव वहां छोड़ के बाकी सब जगह 7 तारीख से अभियान चलेगा और नामांतरण और बंटवारा अभियान चला के करवा दिया जाएगा। और मेरे नेता बैठे, आपका काम है कि ढंग से हो जाए। और कलेक्टर हैं, बाकी भी सुन रहे होंगे अलीराजपुर और बाकी जहां चुनाव छोड़ के, इसमें अगर एक भी पैसा किसी ने ले लिया तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नामांतरण होंगे, बंटवारे होंगे, गरीब आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिलेगा। हमारी कई तरह की परंपराएं, एक न्यायों को परंपराएं, हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इस जनजाति आदिवासी संस्कृति पर हमें गर्व है, हमें गर्व है। आज मामा ने भी तीर कमान पे तीर चढ़ाया है और ये इसलिए चढ़ाया है कि विकास की नई ऊंचाइयां छुए। और अगर कहीं सरकार में गड़बड़ होती है तो फिर तीर सीधे निशाने पे जाके लगेगा। ये विकास का संकल्प है, ये जन कल्याण का संकल्प है और जो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारी संस्कृति में आनंद है, मस्ती है, हर साल धूमधाम से झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा जहां बेटे बेटी कलाकार उनको अपनी कला के प्रदर्शन का पूरा अवसर मिलेगा। और सुनो भैया और बहनों भी, अभी भाजपा की सरकार मोदी जी नवंबर तक फ्री में राशन दे रहे हैं। और मामा का आता ही है 1 रुपया किलो महीना। अरे राशन आता कि नहीं आता दुकान पे, सब बताओ आता कि नहीं। और कोई नाम छूट गया तो भाई ध्यान रखना, नाम छूट गया तो जोड़ लेना, फिर से पात्रता पर्ची बना देना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। लेकिन राशन की दुकान थोड़ी दूर दूर है कि नहीं बताओ। अरे सब बताओ है कि नहीं, तो बताओ अपने गांव पे घर पर राशन मिलना चाहिए कि नहीं। और इसलिए सुन लो, राशन आपके द्वार मतलब दुकान पे नहीं जाना, गाड़ियों में भरा के वो राशन आपके गांव आएगा, बोलो आना चाहिए कि नहीं। इधर वाले भी बताओ आना चाहिए कि नहीं। तो गाड़ियों में राशन भराएगा, अपने गांव में आएगा और आदिवासी नौजवान ही गाड़ी का मालिक होगा, रे वो ही गाड़ी चलाएगा। मतलब ड्राइवर थोड़ी होगा, क्या होगा मालिक। हम गारंटी लेंगे बैंक की, उसको गारंटी नहीं देनी और बैंक उसको फाइनेंस करेगा और 26,000 रुपया महीना उसको देंगे, 10,000 में किस्त निकल जाएगी, 16,000 में राशन बांटेगा और रोजगार भी मिल जाएगा। बोलो सही है कि नहीं भैया, सब बात करो यार मामा से आज, बोलो सही है कि नहीं। अब हमारे घर हमारा बच्चा राशन पहुंचाएगा, रोजगार भी मिलेगा और ढंग से राशन नहीं तो एक दिन की मजदूरी बिगड़ जाती है। राशन लेने का एक दिन की मजदूरी चली जाती कि नहीं। इसलिए घर पे आए यार, मामा है तो काहे की चिंता।
असली राशन आपके द्वार। अच्छा भैया एक बात बताओ, कांग्रेसियों यहां तो होंगे नहीं, जहां वही सुन लो, सुन लो कांग्रेसियों, दिलीप सिंह भूरिया जी ने, स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। झाबुआ का नाम अमर कर दिया दिलीप सिंह भूरिया जी ने। उन्हें पेशा एक्ट बनाया, उसको बनाने में उनकी भूमिका थी। 96 में बन गया कांग्रेसियों, तुम्हारी सरकार थी 96 में, मामा तो नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। आज बड़े रोन और रोते हो रे, तुमने पेशा एक्ट क्यों लागू नहीं किया ये तो बता दो। ये कभी नहीं करेंगे, आदिवासी को हक नहीं देने वाले। इतना पैसा एक लाख नहीं किया और मेरे गैर जनजाति सामान्य पिछड़ा वर्ग और बाकी भाई बहन सुन ले, कोई नुकसान नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी मेरी है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। अब खुद ने लागू नहीं किया, अब हम कर रहे हैं, नहीं गड़बड़ होगी, किसी को निकाल देंगे, बिल्कुल झूठी बात। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ आदिवासी के आगे बढ़ने का मतलब नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, वो भी आगे बढ़ेगा, आदिवासी भी और बाकी का भी फायदा होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वचन है। 5800 पंचायत बाकी ग्राम सभा चिन्हित करेंगे, ग्राम सभाओं का सीमांकन होगा, ग्राम सभा चिन्हित होने के बाद फिर ग्राम सभा की वोटर लिस्ट बनेगी, ग्राम सभा के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और जो आदिवासी माहौल है वहां अध्यक्ष आदिवासी होगा, लेकिन सदस्य गैर आदिवासी भी होगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली। और उनको फिर अधिकार दिए जाएंगे, आर्थिक सशक्तिकरण, 15वें वित्त आयोग का जो पैसा वो सीधे ग्राम सभाओं के पास जाएगा, गांव के प्लानिंग भोपाल के बल्लभ भवन में बैठ के नहीं होगी, ना झाबुआ में बैठ के, कलेक्टर तय करेंगे, गांव की जनता गांव का विकास तय करेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं। अरे हमें पता है भैया कि कहां क्या बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, बल्लभ भवन में अफसर बैठ के बना दे तो पता ही नहीं चलता क्या बन रहा है, क्यों गुमान भाई, अपन नहीं बनाएंगे, गांव वाले ही बनाएंगे, गांव का पैसा गांव में खर्चा होगा, अपने गांव का विकास अपने हाथ। बोलो होना चाहिए कि नहीं, तो बोलो भारत माता की। और उसके बाद वन प्रबंधन का अधिकार, कई लोग अधिकार सरकार में छोड़ते ही नहीं है। अब बताओ भैया एक बात पूछता हूं, यहां तो तेंदुपत्ता कम होता है, महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, नीम की निमोली और तेंदु का पत्ता, इसमें बताओ हमारा हक है कि नहीं। अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ हमारा हक है कि नहीं। लेकिन सत्ता में कांग्रेस की सब कब्जे में कर लिया, पत्ता नहीं तोड़ सकते, लकड़ी की डाली नहीं ले जा सकते, फॉरेस्ट के कानून ने जीना मुश्किल कर दिया। मामा आज मुश्किल आसान करने आया है, केवल झाबुआ की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जंगल में रहने वाले भाई और बहनों की आसान करने आया है। हम जंगल के मालिक, तेंदुपत्ता तोड़ेंगे तो तेंदुपत्ता बताओ भोपाल में ठेकेदार को बेचना चाहिए या वन समिति में बैठे गरीब आदमी को बेचना चाहिए।
अरे बता मामा पूजराज कौन को बेचना चाहिए? ये गांव का आदिवासी और दूसरा भी तेंदुपत्ता तोड़ने वाला तय करेगा। करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में नहीं जाएंगे, आदिवासी और बाकी लोगों की वन समिति में आएंगे और उससे समिति के सदस्यों को भी फायदा पहुंचेगा। ये वनाधिकार वन में होने वाली औषधियां मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार होगा। अगर कोई लकड़ी कट सकती है छट सकती है तो आप बेचोगे, उससे आई आमदनी आपके खातों में जाएगी। दिया ही 50 साल में काम दिया तो मुट्ठी में धर के सब बैठ गए। आदिवासी बेघर होता रहा, आदिवासी की जमीन छीनती रही और कांग्रेस तमाशा देखती रही। ये तमाशा नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर। गरीब को उसका हक मिलेगा, इसलिए वन प्रबंधन का अधिकार होगा। और एक बीमारी सिकल सेल तबाह कर देती है। दो सिकल सेल वालों की शादी हो गई तो जो बेटा बेटी पैदा होता वो भी सिकल सेल से पीड़ित होता है। 15 नवंबर के दिन सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा और ऐसे सबका इलाज करवा के चेकअप करवा के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और मेरे बेटे बेटियों जेई मेंस में सिलेक्ट हो रहे, मेडिकल कॉलेज में जा रहे, मैंने ही कोचिंग शुरू करवाई थी कांग्रेस से बंद करवाई, वो कोचिंग फिर से चालू होगी ताकि हमारे बेटा बेटी बड़ी नौकरियों में जाए, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। ईमानदारी से बता, मामा के 15 साल में जितने बच्चे पढ़े उनमें से हजारों सरकारी नौकरियों में लगे, कई बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। मुझे गर्व होता है, मुझे खुशी होती है जब बच्चे अपने अधिकार की बात करते। कांग्रेस के जमाने में ये नहीं था। और इसलिए हमने फैसला किया, सुनो मेरे बेटा बेटियों, ये जितने भी महिलाओं के पद है उन पर भर्ती हम प्रारंभ कर रहे हैं। 1,00,000 के पद खाली नहीं रहने देंगे। तुम्हारे बेटा बेटी भर्ती होंगे, हमारे बच्चे भर्ती होंगे। क्या किया कांग्रेस से कोई बताए? मेरे बेटा बेटियों, हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे। बिजली का काम, नल जल योजना का काम, अनेकों तरह के काम है उनके लिए आदिवासी और गांव का बेटा बेटी प्रशिक्षित किया जाएगा और एक गांव में 4 बच्चों को भी रोजगार दिया जाएगा ताकि सारे काम वो करें। इतने मकान बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बाहर से काय हुआ है, बनाने वाले भी हमारे बच्चे हो। और एक बात और सुनना, नई रेत नीति बना के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए रेत भी फ्री में दी जाएगी। आधा पैसा उसी में लग जाता है। पुलिस और फौज में भी भर्ती के लिए ट्राइबल बेटा बेटियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीने का पानी मेरी बहनों मैंने बताई दिया, नल जल योजना से आएगा। और छोटे छोटे मामले में पुलिस हो, अदालत हो, जरा सा प्रकरण बन गया आदिवासी चक्कर ही लगाता रहता है। ये पुलिस थाना और अदालत से छूट मिले, इसलिए सारे छोटे मोटे मामले जो गंभीर किस्म के नहीं है आदिवासियों के वापस ले लिए जाएंगे। काय को चक्कर लगाए, पूरी कमाई लगा दे उसमें। मेरे बहनों और भाइयों, कई हमारी जनजाति आदिवासी परंपराएं जो हमारी संस्कृति का अंग है वो हमारे लिए बुराई नहीं है। अलग अलग हमारे कार्यक्रम होते हैं,
जन्म के समय, मृत्यु के समय पूजा अर्चना, इसमें अपनी संस्कृति के हिसाब से हमको जरूरत पड़ती है पूजा के लिए शराब की भी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे पड़ती है कि नहीं पड़ती? मैं इसका मतलब यह नहीं है कि शराब की वकालत कर रहा हूं, लेकिन ऐसी हर परंपरा के निर्वाह के लिए, हमारी संस्कृति की जरूरतें पूरी करने के लिए, अब ये शराब कभी खरीदना ना पड़े। महुआ हमारे यहां एक दौलत है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। और उसके फूल कई तरह के कामों में उपयोग होते हैं, और इसलिए जैसे डिस्टरी वाले बनाते हैं, अभी अगर कोई आदिवासी बना ले डिस्टरी वाले, तो बना बना के बेचे ही जाएगा, तो उस पर मुकदमे बन जाते हैं, पुलिस प्रकरण बना दे, आबकारी वाले बना दे। अब हम नई नीति लेके आ रहे हैं, इसमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुरूप और परंपरागत तरीके से ये बनाने की छूट भी दी जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना होना चाहिए कि नहीं है? और जब बड़े दुष्टरी वाले बेचते हैं तो हम बना के बेच दें तो क्या तकलीफ है भाई? है कोई तकलीफ? और इससे फिर उससे धन भी कमाए। राजवर्धन जी, बड़े बड़े लोगों के अधिकार काय को रहे भाई? अरे गरीब भी अगर ये काम कर सकता तो करके धन वही कमाए, परंपराओं का निर्वाह के लिए। और अलीराजपुर जिले का ताड़, तो महुआ हो जाए ताड़ो, ताड़ हो तो ताड़ी। ये मैं कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा, मत निषेध होना चाहिए, लेकिन परंपराओं का निर्वाह होता है, दूसरे बेच रहे और आदिवासी से मुकदमा बना रहे, ये नहीं चलेगा भाई, किसी भी कीमत में ये नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए नई आबकारी नीति बनाई जाएगी। और आज जब मैं आया हूं तो मुझे झाबुआ के बच्चे मिले, उन्होंने कहा इतनी भीड़ हो गई है कॉलेज में, 700 की वेटिंग है, और इसलिए आदर्श महाविद्यालय में कई नए विषयों की पीजी क्लास खोली जाए, तो वो भी पीजी क्लास भी झाबुआ में खोली जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, ये शुरुआत है आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम फैलाते, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुलना करो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस से क्या किया था, और फिर एक बार ये विश्वास दिलाते हुए कि गैर जनजाति भाई बहनों को बिल्कुल भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और एक बात और सुन लो, 15 नवंबर के दिन, 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, और दिन भोपाल में पूरे प्रदेश के आदिवासी भाई और बहनों का एक विशाल समागम, विशाल सम्मेलन होगा। बोलो भोपाल आओगे? अरे जागो मेरे बहनों और भाइयों, नया जमाना आया है, मोदी जी का आशीर्वाद है, कई योजनाएं वो चला रहे हैं, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर ये बदलाव लाएगी।
मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं तो इसलिए नहीं कि कुर्सी पे बैठ के मगन हो जाऊं, अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। मैं दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, परिवर्तन की एक नई लहर चले और अपनी जिंदगी बदलने के इस अभियान में हम सब साथ हो जाए और मामा का भी साथ दे, भारतीय जनता पार्टी के भी साथ चले। बोलो सब मामा के साथ चलेंगे, इधर वाले भी चलेंगे। तो आइए, मैं बोल दिया तुमने सुना ही नहीं, झाड़ू अब सब पहले ही हो गया। तो आओ मेरे दादा भाइयों, मेरी बातों से सहमत हो, सब तैयार है, आज खड़े रह के संकल्प करेंगे, मामा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलने के लिए दिनों रात मिलकर मेहनत करेंगे। मैंने भी स्वसहायता समूह की, तुम्हारा भी सशक्तिकरण होगा, पैसा बैंकों के माध्यम से आएगा, काम धंधे चलेंगे और आदिवासी नौजवान भी केवल मुर्गा बकरी में नहीं उद्योग चलाए, उसके लिए गारंटी भी मामा देगा और पैसे की व्यवस्था भी करेगा। आइए जिंदगी बदलने के अभियान में साथ चलने का संकल्प लें और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाके पीछे दाएं बाएं उठाओ रे मेरे भाइयों बहनों हाथ। यह जिंदगी में बदलाव का दिन है, बांधो दोनों मुट्ठी और आज संकल्प लो कि अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने के अभियान में सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भाजपा के साथ चलेंगे और यह संकल्प लेने के लिए भारत माता की जय बोले। उठाइए दोनों हाथ, इधर भी और उधर भी, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत मामा, भारत माता की, राणा पुंजा की, रानी दुर्गावती की, तंजा मामा की, भीमा नायक की, नर्मदा मैया।